करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला जो कि हमने कल जहां से छोड़ा था उससे आगे की चीजों पे। तो फॉर्मूला में दोबारा में मैथमेटिकल फॉर्मूला में आते हैं और हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला में लास्ट क्लास में एग्रीगेट और एरेबिक के साथ हमने सेलिंग किया था। इसमें अगला फंक्शन आता है कॉम्बिन। कॉम्बिन क्या होता है, जैसे कि आपने तीन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया लेकिन आपको दो कोई ज्वाइन है तो आपके पास ऑप्शंस कितने हैं। मतलब कंपटीशन में एक बार बताता है कि आप ए बी और सी तीन लोगों का है तो आप ए और बी को ज्वाइन करवा सकते हैं, बी और सी को ज्वाइन करवा सकते हैं और ए और सी को ज्वाइन करवा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉम्बिन फॉर्मूला। कॉम्बिन नंबर एंड चूजन नंबर, ये आता है कि तीन चॉइसेस है, अगर पांच में से दो लेने हैं तो आपके पास दस चॉइसेस है, छह में आपको पंद्रह चॉइसेस है, सात लोगों में से दो को लेना है तो इक्कीस चॉइसेस है आपके। तो ये चॉइसेस बताता है, हालांकि इसका यूज खास नहीं होता लेकिन हाँ इसका जान लीजिए कभी कभी इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है। उसके बाद बाकी जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं इसमें कोई खास नहीं है। ए फैक्ट आपका फैक्टोरियल नंबर दिखाता है, इवन आपका नेक्स्ट इवन नंबर दिखाता है। ए फैक्ट डबल में, फैक्ट डबल मतलब किसी आपने अगर इनपुट किया है नंबर इवन नंबर तो इवन का फैक्ट डबल फैक्ट दिखाएगा। जैसे कि मान लीजिए फैक्ट, तो अगर मुझे एट का फैक्टोरियल नंबर चाहिए तो यहाँ पे फैक्ट आपका एक एक एट दिखा देता है। जैसे कि वन मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फैक्टोरियल नंबर का ओके। लेकिन अगर मैं फैक्ट डबल देता हूं तो फैक्ट डबल में क्या होगा कि इसमें से सिर्फ वो, क्योंकि एट एक इवन नंबर है तो यहाँ पे टू मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई सिक्स मल्टीप्लाई बाई एट को लेगा। यहाँ इवन नंबर होता है तो इसमें से सिर्फ इवन नंबर को लेता है, ए फैक्ट डबल का काम होता है। ओके और मैंने आपको बता दिया था जीसीडी, ये आता है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, मतलब कि दो नंबर के बीच में कौन, जैसे हमने मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 50 कर दिया और दूसरा कर दिया हमारा यहाँ पे 15, तो दोनों के बीच में महत्तम को निकालते हैं ना, महत्तम है कि दोनों के बीच में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर क्या है, तो 5 यहाँ पे रिजल्ट आपके 5 आ गए, 5 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। तो जीसीडी इसके लिए वर्क करता है। इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करता है, मान लीजिए कि कोई डेसिमल में इस तरह से दिया हुआ है तो आप इक्वल इंट कर दीजिए तो उसको डेसिमल रिमूव करके आपको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आपने नाउ का फॉर्मूला लगाया हुआ है और इसमें डेट एंड टाइम है, आपको सिर्फ इसमें से टाइम का फॉर्मूला चाहिए, तो अगर आप इस डेट फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं जनरल फॉर्मेट में तो आप देखेंगे कि ये नंबर और कुछ डेट्स मिल जाएंगे, तो जो नंबर है वो आपका क्या है, डेट है, और जो डेसिमल है वो आपके टाइम है। तो यहाँ पे आप इंट का फॉर्मूला लगा दीजिए तो सिर्फ डेट आएगा, टाइम को उसने इग्नोर कर दिया। ओके समझ आ गया। तो ये इंट का काम है। इंट के बाद आगे आते हैं, ये आपके एलसीएम निकालता है, जो नंबर देंगे उसके बीच का एलसीएम आ जाता है। ये लॉग वगैरह है ये खास नहीं, यहाँ ए मल्टीपल राउंड देता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 17 पीपल है, सॉरी हाँ 17 पीपल और 50 गिफ्ट है, या मार्क्स समझ लीजिए या गिफ्ट समझ मार्क्स समझ लीजिए, पर आपको जो है बात है कि इसको इक्वली बांटना है, आपको इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होने के पीछे
रीजन ए है, इसका रीजन ए है कि इडेशमल में बराबर नहीं पड़ेगा। तो मुझे ये पता करना है कि कौन सा नंबर होगा जो एग्जैक्ट जो है वो आएगा, मतलब कि सिंपल बात पूछनी है ना कि कौन सा नंबर जो 17 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, डेसिमल ना आए और 50 के नियरेस्ट, 50 के नियरेस्ट। तो उसके लिए यहाँ पे एम राउंड का फॉर्मूला यूज करेंगे, एम राउंड नंबर, और ये हमारा 17 आ गया जो कि बता दिया 51। ओके फॉर्मूला कहीं के भी यूज होता है। अब एक मोड का फॉर्मूला आता है, मोड का फॉर्मूला देखिए ये बहुत अच्छा चीज है। मोड का फॉर्मूला जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने यहाँ पे लास्ट क्लास में कि हम डेसिमल्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास राउंड के तीन फॉर्मूले, राउंड राउंड डाउन राउंड अप, लेकिन और एक इंट भी है डेसिमल रिमूव कर देता है। लेकिन मुझे इसमें से सिर्फ डेसिमल्स को अलग करना है, तो कैसे करें? तो इसके कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं इसमें से माइनस कर दूंगा इंट, मतलब विद डेसिमल माइनस विदाउट डेसिमल, इसको भी कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है एम राउंड मोड। अब मोड क्या करता है पहले जानिए, मोड करता है कि किसी नंबर को किसी अनदर नंबर से डिवाइड करने के बाद शेष पर दिखाता है, जैसे कि 14 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा नहीं, तो यहां पे वो बताएगा कि कितना शेष पर बचा, तो 4 इसका शेष पर बच गया। तो ये इसमें कैसे काम आएगा? तो एक सिंपल सी मैथमेटिकल थ्योरी है, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे रिजल्ट 0 आता है, लेकिन अगर वो नंबर डेसिमल प्लेस में है तो रिजल्ट आपका डेसिमल प्लेस आएगा। और ये थ्योरी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाती है। अब जैसे कि अभी आपने यहाँ पे नाउ का फॉर्मूला लगाया था, और नाउ का फॉर्मूला क्या करता है? डेट एंड टाइम देता है। तो हमने इंट के फॉर्मूले से सिर्फ डेट तो अलग कर लिए, टाइम, तो टाइम को अलग करने के लिए आप मोड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइम अलग होगा, इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको टाइम दिखेगा। या दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके के लिए मुझे यहाँ पे एक डेटा को करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हम एक डेटा लेते हैं, नहीं ये डेटा थोड़ा सा ये हो गया, इसका डेटा एक मिनट दीजिए, डेटा ना हो डैशबोर्ड 3 मान लीजिए। अब मुझे इसमें से हर तीसरा नंबर को फिल्टर करना है, क्या करना है? हर तीसरे डेटा को फिल्टर करना है, एवरी थर्ड डेटा को फिल्टर करना है, मतलब कि 1, 2, 3 सिर्फ ये डेटा दिखना चाहिए, बाकी हाई होना चाहिए, ऐसे एवरी हर थर्ड डेटा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमारे पास एक रो का फॉर्मूला है जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था सीरियल नंबर क्रिएट करने के लिए, इसमें से -1 कर दूंगा और नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो सीरियल नंबर आ जाएगा डेटा। फिर मैं यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लगाऊंगा और मुझे हर थर्ड डेटा चाहिए तो 3 को क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जो 3 के मल्टीप्लाई होंगे वो 0 हो जाएंगे और बाकी सब में कुछ ना कुछ शेष फल आ जाएगा, और फिर हम फिल्टर में 0 को फिल्टर कर लेंगे। तो मोड समझ में आया आप लोगों को? डाउट मोड में नवीन जी, यशुभ जी, डाउट सर ये वाला दोबारा समझा देंगे जरा प्लीज? जी सर दोबारा। मोड फॉर्मूला क्या करता है, समझ में आया आपको कि नहीं जी? मोड फॉर्मूला क्या करता है, समझ में आया? जी हाँ, कोड तो जैसे किसी भी डिजिट का वो कोडिंग कोड बताता है। मोड,
कोड या मोड? COD और MOD? अभी यूज क्या किया मैंने, मोड यूज। अभी हमने मोड फॉर्मूला यूज किया है ना सर, जी, ये मोड क्या करता है समझ में आया आपको? नहीं एक बार फिर से थोड़ा बता देंगे? देखिए मोड का काम है इसको निकालना है, रिमाइंडर। जैसे कि 5 को अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे तो एक दफा मेरा रिफंड है, बहुत सिंपल। यहाँ पे दो एक दफा और यहाँ पे मेरा टेन थोड़ा सा ज्यादा है और यहाँ भी थोड़ा। Es passt nicht die dritte Säule des Islam. Es fasten bedeutet wirklich nicht essen oder hungrig bleiben. मोड का काम है इस 4 को निकालना कि किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद वो शेष फल आएगा, मतलब इसके बाद यहाँ पे डेस पर लगेगा ना, इसको शेष फल बोलते हैं, रिमाइंडर क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर बोलते हैं। तो इसको निकालने का काम करता है हमारा मोड फॉर्म। इसलिए मैंने यहाँ पे डेसिमल्स को रिमूव करने के लिए मोड का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर किसी नंबर को एक से डिवाइड करेंगे तो उसका शेष पर डेसिमल ही आएगा ना, 12 एक से 12 कट जाएगा। इसलिए तो यहाँ पे क्या है कि हर थर्ड डेटा चाहिए, तो हमने सीरियल नंबर निकाल लिया और इस सीरियल नंबर में हमने मोड जो है मोड का फॉर्मूला दिया और कॉमा 3 कर देता। सर ये थर्ड से क्या मतलब, आप थर्ड ये क्या थर्ड डेटा से ये समझिए, ये क्या कह रहे हैं मतलब कि थर्ड मैं डेटा? मुझे हर थर्ड डेटा को ही लेना है, माने से हर थर्ड डेटा भी यहाँ पे टोटल होगा ना सर, टोटल होगा। अच्छा इसमें सिर्फ टोटल को लेना, अच्छा ठीक है, अमाउंट को लेना, इस तरह से लेना है, समझ गया? ठीक 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 ठीक। तो हम यहाँ पे मोड फॉर्मूले के अंदर में रो को डाल देंगे और डिविडेंड में डिवाइडर में 3 डाल देंगे, तो जो 3 से डिवाइड होगा मतलब 6 3 से डिवाइड हो गया तो शेष फल कुछ नहीं आएगा, मतलब कि ये वाला पोजीशन कुछ नहीं आएगा, तो वहां पे 0 आएगा, समझे? और 0 जो आया मतलब कि वो थर्ड नंबर है। यहां देखिए 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 0 0 0, समझे? जी सर, यूसुफ जी अब समझ में आया आपको? ये समझ में आ गया सर, थैंक यू सर। तो मोड का काम इस चीज के लिए होता है। अब मोड के बाद अगला फॉर्मूला हम देखते हैं कि हमारा अगला फॉर्मूला क्या है मोड के बाद। बाकी जो नहीं है यहाँ पे ऑड ऑड नंबर देता है, पाई आपका पाई का मान देता है, पावर आपका स्क्वायर होता है, जैसे 10 का स्क्वायर चाहिए या 10 का क्यू चाहिए, तो ये आपका पावर निकाल देता है। मतलब कि हम जो पावर का सिंबल यूज करते थे ना, ये वाला सिंबल यूज करते थे, इसके जगह पे हम पावर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पावर के बाद आता है प्रोडक्ट का फॉर्मूला, मतलब कि दो नंबर, दो या दो से अधिक नंबर है मुझे प्रोडक्ट करना है, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं कि 52 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 52, ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मूला करता है। उसके बाद हमने रैंड का फॉर्मूला, रैंडम नंबर, रैंड का फॉर्मूला क्या होता है, रैंडम नंबर देता है लेकिन डेसिमल्स में, एक से बड़ा और सॉरी एक से छोटा और जीरो से बड़ा, पर हर बार चेंज होता है रैंड बिटवीन की तरह जो मैं यूज करता हूं। और रैंड बिटवीन फॉर्मूला तो जानते ही क्या होता है, इसमें एक रैंड एरे का फॉर्मूला है, ये आपको हम बाद में समझाएंगे कि रैन एरे का फॉर्मूला क्या करता है। जो एरे का समझाऊंगा तो पहले आपको एरे समझना होगा, इसलिए ना एरे होता क्या, एक हमारा आता सिक्वेंस,
twins. ये नया फॉर्मूला है. अब सीक्वेंस क्या करता है एक बार देख लेते हैं. रो नंबर वन कॉलम नंबर वन स्टार्ट 10 से और स्टेप स्टार्ट वन से और स्टेप वन. देखिए सीक्वेंस का फॉर्मूला हमने दिया. रो नंबर वन कॉलम नंबर वन स्टार्ट वन से और स्टेप वन. वन ही आया. अब मैं अगर रो को बोल दू यहां पे 10, यहां पे देखिए 110 कर दिया. माफ कीजिएगा 10 करना था. तो एक से लेकर 10 तक का नंबर है दिया. तो अगर आपको कॉलम वाइज नंबर चाहिए तो यहां पे दे दीजिए 10, रो वाइज तो 10 दे दीजिए, रो वाइज दीजिए तो नंबर दे दीजिए. तो जितना तक का सीरियल नंबर बनाना, जैसे मैंने यहाँ सीरियल नंबर बनाई थी थोड़ी देर पहले रो फॉर्मूला लगा के, तो रो की जगह पे इसका यूज आप सीक्वेंस का कर सकते हैं. बट ये लेटेस्ट फॉर्मूला है, हो सकता है कि आपके वर्जन में ना हो. जस्ट सीरियल नंबर क्रिएट करता है सीक्वेंस फॉर्म. ये पावर सीरीज का है, साइन थीटा कॉस थीटा है. ए स्क्वायर टी आपका स्क्वायर रूट निकाल के देता है. स्क्वायर टी पाई, मतलब कि स्क्वायर टी को पाई से मल्टीप्लाई करके फिर उसका स्क्वायर रूट देता है. सब टोटल मैंने आपको बताया, सम नॉर्मली है. अब इस सम इसके बारे में जो है हम आपको आगे क्लासेस बताएंगे कल की क्लासेस में, लेकिन सम प्रोडक्ट को समझ लीजिए. हालांकि सम प्रोडक्ट का यूज एरे में ज़्यादा होता है, लेकिन नॉर्मल यूज क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ. जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे एम आर पी, मतलब कि पांच प्रोडक्ट, पांच पीस मैंने 60 रुपए के हिसाब से, 7 पीस हमने मान लीजिए 41 रुपए के हिसाब से, 12 पीस हमने यहाँ पे 90 रुपए के हिसाब से और 15 पीस हमने मान लीजिए 35 रुपए के हिसाब से बेचा, तो टोटल अमाउंट क्या होगा. तो जनरली क्या करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका सम निकालेंगे, राइट. लेकिन सम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई और सम दोनों एक साथ कर देगा. आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए कॉमा, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई और एडिशन होके आपका रिजल्ट आ जाएगा एक ही सेल. अलग अलग करने की जरूरत नहीं. ओके सर, समझ में आया. अभी ग्रुप में मैं आपको सम इफ का वीडियो भेज रहा हूं, सम इफ का वीडियो देख लीजिएगा. अब सम इफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. रीजन यह है कि डेटा समराइजेशन, मतलब जो काम आप पिवट टेबल से करते हैं, करते हैं ना सर, अगर पिवट टेबल से ना करके उसको आपको फॉर्मूला से करना हुआ तो कैसे करेंगे. तो फॉर्मूला से करना हुआ तो उसके लिए हम लोग सम इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, ऐसे फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं. समझे. क्लियर सर. सर तो एक वीडियो मैं आपको भेज रहा हूं, पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर कल हम इसकी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. ओके ओके. मैं ग्रुप में वीडियो डाल दिया. सामिफ काउंट इफ, सामिफ काउंट इफ, एवरेज इफ, ऐसे फॉर्मूले, समराइजेशन फॉर्मूले हम करेंगे, कल करेंगे. उसके अलावा हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला बहुत सारे छोड़ दिए, क्योंकि वो मैथमेटिकल फॉर्मूला मैथमेटिक्स रिलेट करता है. फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे जरूरत है इस सारे फॉर्मूले में, कुछ फॉर्मूले
उसका लिस्ट बना लीजिएगा, हम आपको अगली क्लास में समझा देंगे। ओके सर। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, गुड नाइट। नाइट सर। व्यू देख लीजिएगा प्लीज।